तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है और सब लोग हमारे स्कूल्स के जो लोग हैं वो भी यहाँ आ गए हैं और उन्होंने काफ़ी हमारा आर्ट डिपार्टमेंट की इंस्टॉलेशंस लग रही हैं और हर एक बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि कल का हमारा फेस्टिवल है और हमें पूरी आशा है कि बहुत अच्छे से हो जाएगा और ऊपर वाला भी हमारा साथ दे देगा। जहाँ से मेरा गुड़ इश्क मीठा की शुरुआत हुई और उसके बाद तो तक तोतियाँ तो और सारे गीत हिट हुए और आज मेरे दे ऑनर मी और इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं इतने आया और उन्होंने बुलाया बिकॉज ऑलवेज साढ़े गाँव के नज़दीक है जी जोड़ा डी ए वी कॉलेज निकोदर एंड पहली बार मतलब हॉकी की वो ग्राउंड होती थी उधर बैठ के हम रिहर्सल करते थे म्यूज़िक का सारा मतलब सीखते थे उधर से तो वो टीचर्स वो सारे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इधर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल तक हम तैयारियों में जुटे हुए थे और आज हमें उसका फल दिख रहा है और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग चाहते हैं अंदर आना, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं अंदर और सब तरफ से हर एक स्टेज पे लोग हैं और जम के प्रशंसा कर रहे हैं जो भी पार्टिसिपेशन हो रही है। मेरा कहना ये है कि सात जगह हैं और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जैम पैक नहीं है, जहाँ पे सब फुल फुल हाउस जा रहा है। अच्छा, हमारे जो मेन एसेट है, जिस एसेट के ऊपर हमारा नाज है, वो है मेरे डायरेक्टर्स, रीजनल ऑफिसर्स, एडिशनल रीजनल ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स और 1 लाख के करीब टीचर्स और स्टाफ। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जो न्यू इंडिया है, वो न्यू इंडिया आप ही लोग साबित करेंगे और आप ही सफल बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा ओकेजन है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड आई थिंक बहुत ही कम संस्थाएं ऐसी, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इतना बड़ा इवेंट कर पा रही हैं और इतनी बड़ी हैं अपने आप में। प्लस व्हाटएवर आई एम टुडे इज मेजरली बिकॉज ऑफ माय स्कूलिंग एंड जो टीचर्स ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, आई थिंक उसी वजह से हो रहा है। मैं आप लोगों की आभारी हूँ, आपने हमें इस प्रकार की उत्सव में शामिल किया, मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत ही अच्छा एक सोच है कि हम सारे डीएवी के एलुमनाई को एक साथ लेकर आए और आगे बढ़ाएं, क्योंकि डीएवी आई एम श्योर जितना बड़ा एक इंस्टीट्यूट है वो आज तक और कोई स्कूल नहीं रहा है और डीएवी की बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई है और जो डीएवी ने जो दिया है वो अमूल्य है। उन लोगों को देखना जो कि इस स्कूल से निकले हैं और सक्सेसफुल होकर निकले हैं, क्योंकि आज जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो फिर डीएवी को आज शायद इसके बाद से एक अलग नज़र से देखेंगे। शिक्षा मिली, एजुकेशन मिली, जितनी भी मिली काफ़ी थी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन लाफ एट आवर ऑर्गेनाइजेशन इन मैनी वेज, बट बॉटम लाइन इज डीएवी स्कूल द जवाब में। आई थिंक वंडरफुली वेल वी हैव डन। डीएवी स्कूल नोन टू बी टू थिंग्स, या तो स्पोर्ट्स या एजुकेशन। वहाँ पर बीच वाले स्टूडेंट चलते नहीं थे। आप ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन हो तो आपकी बहुत इज्जत है, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो भी मैनेजमेंट ऑलवेज गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू देम। समथिंग डीएवी स्कूल हैज विच वी ऑलवेज फील प्राउड अबाउट दैट एंड आई कैन ऑलवेज से it's a wonderful place to educate because it was very simple. वो बात अलग है कि आज वैसी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि आज टीचर हाथ नहीं उठा सकते। हमारे टाइम में टीचर हाथ नहीं उठाते थे तो उनको मजा नहीं आता था, तो वो रिलेशन जो था आजकल का बहुत तब्दील हो गया, बदल गया है। वो अच्छा है या बुरा है हम नहीं जानते, पर हमें मार खाकर भी बहुत मजा आता था और उन दिनों की मार खाई हुई आज हमारे लिए वो बहुत ही बड़ी एक सीख है कि हमें पिटाई भी होती थी तो भी, जैसे चेतन ने कहा कि हम अपने टीचर्स की आज भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं।
उस समय नहीं करता था, उस समय थोड़ा सा गुस्सा आता था क्यों टीचर मारते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि आंवले का खाया थोड़ा देर में समझ आता है, तो वो जो हमें शिक्षा मिली उसका आज हमें उसका इम्पैक्ट जो मिलता है हमें पता चलता है। यहाँ बुलाने का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबका, और यही कहूँगा कि ये रीयूनियन जो हो रही है इसका बहुत ही बड़ा एक महत्व है। अच्छा लगता है कि पुराने दोस्त आते हैं, पुरानी यादें सामने आती हैं, ज़िंदगी में और कुछ लेके नहीं जाता इंसान, ये यादें साथ लेके जाता है, और इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपको तह दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ और DAV ऑर्गेनाइजेशन को कहना चाहता हूँ इसी तरह बुलंद रहे, मेहनत करते रहे, लोग नाम याद रखेंगे अगर आपका काम अच्छा होगा। वी बिलीव इन दैट एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, देखिए आपका बचपन याद आ जाता है, और मैं तो असल में कहता हूँ कि ज़िंदगी में आपने सब कुछ अचीव किया, अचीव करने के बाद जैसे आप कपिल पाजी से भी पूछ लेंगे ना, तो उनसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए अब आगे ज़िंदगी में, वो कहेंगे मैं स्कूल में वापस जाना चाहता हूँ। इससे बढ़िया बात आप क्या है कि देखिए स्कूल का समय, कॉलेज का समय, आज के बच्चों को मैं बताना चाहूँगा ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, और बहुत खुशी होती है आप अपने पुराने टीचर्स से मिलते हैं, अपने कोलीग्स से मिलते हैं, और आई थिंक मैं ये कहूँगा जो DAV ने एलुमनाई ये महोत्सव यहाँ किया है बहुत ही बेहतरीन है। DAV के जितने भी कैंपसेज हैं सब में शायद एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सारे कैंपसेज में खेलने कूदने की फिर उतना ही एम्फेसिस होता है जहाँ पढ़ाई पे भी होता है। मुझे भी पता नहीं था कि महाकुंभ ही होगा, और एक्चुअली महाकुंभ ही निकला, और देखिए बड़ा ज़रूरी था कि इतनी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया की और हम इकट्ठे नहीं थे, तो उन्होंने आज इकट्ठे किए हैं राम जी, और अगले साल ये महाकुंभ जो है और भी बड़ा महाकुंभ होगा, उससे भी बड़ा होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी शुरुआत मेरे स्कूल से ही हुई थी और DAV विकासपुरी का मैं स्टूडेंट हूँ, और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वेलकम टू द DAV फेस्ट, वेलकम, आई होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, आर यू हैविंग अ गुड टाइम, कुछ खाया पिया कि नहीं, सबके पेट भरे हुए हैं ना, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हंस के हंसो, मौज ना हो, हर वक्त मुस्कुराते रहो, यही मेरा आशीर्वाद आप सबके लिए, बहुत खुश रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आजाद रहो, जय हिंद। बी अ पार्टनर इन दिस वन ऑफ द यूनिक थिंग व्हिच इज बीइंग डन बाय द एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट सच अ लेवल, सो वी आर लुकिंग फॉर द ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द इयर्स टू कम, थैंक्स अ लॉट। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा, बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है DAV के बच्चों को, लगभग 35 बच्चों को हमारे एक जोनल ट्रेनिंग सेंटर है राजेंद्रा प्लेस में, वहाँ 2 दिन का इनका ट्रेनिंग शेड्यूल रखा गया था, और बेसिक बैंकिंग की इनको जानकारी दी गई, अकाउंट्स ओपनिंग से लेकर डिजिटल प्रोडक्ट्स तक के, और बच्चे बहुत खुश थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी बैंक ने कैसा पहली बार इनिशिएटिव लिया कि हमें बैंकिंग अपने ट्रेनिंग सेंटर में बुला करके दिया गया था। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी DAV के जितने भी स्कूल्स हैं सभी रीयूनाइट होकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं, और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट विच इज़ DAV यूनाइटेड। 3 दिन से हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस चीज़ को, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत ही हमने इन्जॉय किया जगह को, और लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, हमारे खाने को काफ़ी अप्रिसिएट किया है। यहाँ पे अब तक कम से कम नहीं भी तो 10,000 से ऊपर लोग आए हैं, और काफ़ी बड़ा इवेंट है एक तरह से देखा जाए तो, अब तक का बहुत अच्छा बहुत बढ़िया इवेंट रहा है। झारखंड में अधिकतर बच्चे या तो बैकवर्ड इलाके से हैं या तो ट्राइबल इलाके से हैं, तो DAV का जो मिशन है कि हम लोगों को सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा करें, हमारी जो शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्ति कोई दया का पात्र नहीं होना चाहिए, सम्मान का पात्र बनना चाहिए, तो ये मिशन जो DAV का है वो झारखंड में 100% सफल हो रहा है। भारत में हम रह रहे हैं, जैसे हम DAV में ऐसे रह रहे हैं, तो हम प्राउड ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं कि इतना बड़ा DAV संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन जितना है, और आर्ट गैलरी बनाए, बहुत अच्छा लगा सर। हम बहुत बहुत ओवरवेल्म्ड है, जॉयड है ओवर टू पार्टिसिपेट हियर, एंड हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है पूरम श्री चेयरमैन जी की जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। वी आर रिप्रेजेंटिंग पंजाब जोन, तो पंजाब एक ऐसी धरती है जहाँ पे DAV का जन्म हुआ 1886 में, और वहाँ से लेके आज तक इसका सफ़र जो है वो लगातार जारी है। पंजाब में जो यूनिवर्सिटी है DAV की, वो सेटअप हुई है 2013 में,
और इसके अलावा 31 कॉलेजेस हैं और 111 स्कूल्स हैं जिसमें एडेड और पब्लिक स्कूल्स भी हैं। आज डीएवी यूनाइटेड का समापन किया हुआ है, हम सारे डीएवी स्कूल ऑल ओवर इंडिया से सब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पद्मश्री श्री पूनम सूरी जी के नेतृत्व में यह बहुत आगे बढ़ रहा है। और पूनम सूरी जी जो महात्मा आनंद स्वामी एक ऊंच कोटे के विद्वान थे, ऊंच कोटे के समाजी थे और उनके आप पौत्र हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से अपने पूर्वजों के संस्कार प्राप्त कर करके और यह जो है आर्य समाज के और साथ ही साथ इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में और यह डीएवी संस्थान को आगे बढ़ाने में निरंतर काम कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा इवेंट डीएवी एलुमनाई फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया ताकि सारा डीएवी यूनिटी को सेलिब्रेट कर सके, यूनिटी बिटवीन डीएवी, यूनिटी बिटवीन एलुमनाई एंड डीएवी, यूनिटी बिटवीन 23 स्टेट्स ऑफ इंडिया जहां जहां पर डीएवी फैला हुआ। 34 लाख बच्चे, 40 लाख एलुमनाई जब एक बैनर के नीचे इकट्ठे होकर बनेंगे तो ये उत्सव, ये जगह तो बहुत छोटी है, अगली बारी और बड़ी होगी। डीएवी देश की शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी विश्वसनीय आंदोलन है। पिछले कई दशकों से देश में क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए, सारे वर्गों को एजुकेशन देने के लिए डीएवी की इनिशिएटिव रहा है और धीरे धीरे डीएवी की आयु भी बढ़ते जा रहा है। ये जो पहल उनकी है डीएवी यूनाइटेड एलुमनाई, धीरे धीरे उस सामाजिक उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कार्यक्रम की आयोजन कर रहे हैं। डीएवी सिर्फ एक एजुकेशनल ग्रुप नहीं है, ये कोई कमर्शियल बॉडी नहीं है, ये एक फिलान्थ्रोपिक बॉडी है। एक स्वयंसेवी भाव से समाज में जो मूल विचार रहा है आर्य समाज की, उसकी आधार पे शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, रोजगार देने वाली शिक्षा हो, स्वरोजगार देने वाली शिक्षा हो, मैं इस कार्यक्रम पे आने के कारण मेरे मन में बहुत संतुष्टि है। डीएवी यूनाइटेड उत्सव जो है ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इतने सारे स्टूडेंट्स से मिल सकते हैं। उत्सव रखा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से तरह तरह के बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी सारी टीचर्स भी मेरे पास यहाँ स्टॉल में आई। डीएवी यूनाइटेड ने हमें बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम डीएवी के करीब करीब 600 इंस्टीट्यूशन, और मानना पड़ेगा डीएवी इस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि ना केवल स्कूलिंग में बल्कि हायर एजुकेशन में भी प्रोवाइड कर रही है। डीएवी उत्सव इज़ अ वेरी नाइस एफर्ट्स दैट वी हैव डन, लाइक इट्स अ ट्रमेंडस एफर्ट्स दैट डीएवी यूनाइटेड हैज़ डन। सभी सब लोग साथ में आए हैं, इतने पुराने पुराने टीचर्स से मिलने को मिल रहा है, अपने साथ के कोलीग्स से मिलने को, इतने स्टूडेंट से मिलने को मिल रहा है, सो इट्स वेरी नाइस, थैंक यू। सो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, आई थिंक डीएवी ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया हुआ, और जिस हिसाब से इन्होंने कल्चरल प्रोग्राम रखा है, नो डाउट हमने फर्स्ट टाइम देखा, अलग अलग स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। आई होप कि डीएवी आगे भी इस तरह की चीज़ें टाइम टू टाइम करते रहे। डीएवी उत्सव मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है, आई गेस स्कूल्स लेवल पे हमने इतना बड़ा इवेंट अभी तक तो नहीं देखा है। वी आर फर्स्ट टाइम है, हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, एंड जो एग्जीबिशन है अनएक्सपेक्टेडली इतना क्राउड है, हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतना क्राउड होगा, सो लाइक इट्स गुड, वी आर डूइंग गुड एंड सेल्स आर ऑल्सो गुड। और आप किसी का भी चेहरा देखिए यहाँ पर, इतना खुश है, इतने खुश है कि हमारे परिवार में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक यू हैव इवन इंच ऑफ स्पेस हियर, इतने लोग हैं और इतनी वैरायटी है, आई थिंक ब्रांड डीएवी हैज अराइव्ड। इसमें एक बहुत ही बॉन्डिंग की फीलिंग हो रही है क्योंकि सब एक जगह इकट्ठे होकर इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप की, कमराडरी की फीलिंग आ रही है। डीएवी का महोत्सव जो है ये बहुत ही आलीशान है। आज का जो प्रोग्राम है, एक आप सोचिए एक इतिहास लग गया डीएवी के लिए। कि हम लोगों का जो अटैचमेंट है डीएवी के साथ वो बहुत पुराना है, हम लोग जो है मेन बैंकर रहे हैं इनके, हमारे साथ तकरीबन 100 इंस्टीट्यूशन 100 स्कूल हमारे साथ ऑलरेडी अटैच्ड हैं जिनके हम जो है प्राइम बैंकर रहे हैं। हमारी जो ब्रांचेस हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही हैं, वो चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है,
तो पैन इंडिया जो है वो हम लोग जो है हमारी प्रेजेंस बैंक की डीएवी के साथ है, और फिर इस मेगा इवेंट का जो ये मेगा इवेंट इन्होंने पहली बार स्टार्ट किया है, उस इवेंट के लिए एक्चुअली मेरी जो थी पर्सनल जो एक अटैचमेंट है वो इस तरह है कि मैं खुद डीएवी का एलुमना ही रहा हूँ, और मेरा जब यहाँ से कॉलेज स्कूल की तरफ से डीएवी इंस्टीट्यूशन की तरफ से जब ये बात मेरे पास पहुँची तो आई वॉज सो ग्लैड कि आई विल बी अटैच्ड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ बिग वे। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है और ये हिंदुस्तान का इससे बड़ा इवेंट मैंने तो ना कभी सुना है ना देखा है, और आने वाले लोग सब ये देखेंगे कि ये कितना बड़ा इवेंट है। डीएवी जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई पूरे हिंदुस्तान में ही। ये कहते हैं कि ये यूनिटी ऑफ डीएवी जो है वो यूनिटी ऑफ इंडिया को दर्शाती है, और अगर इसी तरह से जैसे डीएवी मिलजुल के काम कर रहा है अगर सारा भारत करे तो वो टाइम कम नहीं है जब हमारा नाम सबसे ऊंचा होगा। सीखना मुश्किल है, जुस्तजू चाहिए बच्चे के लिए, किसी के लिए भी सीखना मुश्किल है, जुस्तजू चाहिए। सिखाना और भी मुश्किल है, खाक में मिटने की तमन्ना चाहिए, और वो है मेरे डीएवी के टीचर्स।